ने कहा हार मान ले, लेकिन दिल से आवाज आई एक बार फिर कोशिश कर जीत तेरी ही होगी सो so, आज के इस वीडियो में हम लोग फूरियर साइन और फूरियर कोसाइन इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूजली इसमें से क्वेश्चन आता ही है फूरियर इंटीग्रल्स में आप लोगों ने देखा था कि मैं किसी फंक्शन एफ एक्स को वो नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं जीरो टू इन्फिनी ए एस कॉस एस एक्स प्लस बी एस साइन एस एक्स डी एस जिसमें ए एस की वैल्यू होती है वन अपॉन पाई इंटीग्रो फ्रॉम माइनस इन्फिनेटी टू इनफिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स टी एक्स बी एस इज इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटीग्रो फ्रॉम माइनस इन्फिनेटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स टी एक्स मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से फॉर्मूले को याद करना है कॉस एस एक्स के साथ यहां पे ए एस है तो ए एस में भी यहां पर कॉस एस एक्स आएगा बी एस के साथ यहाँ पे साइन एस एक्स है तो बी एस में भी यहाँ साइन एस एक्स ही आएगा एफ एक्स के एक्सप्रेशन में यहां पर जीरो टू इन्फिनिटी इंटरवल है लेकिन ए एस और बी एस में यहाँ माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल है एफ एक्स में हम लोग डी एस एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ए एस और बी एस में हम लोग एक्ट्रेक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी जिससे कि आप लोगों को फॉर्मूला एकदम क्लियर रहे अगर even even x, अगर मान लो आपके पास फंक्शन इवन इवन है ऑफ ऑफ के इक्वल हो तो हमारे पास जो इंटीग्रल रिड्यूस होकर आएगा उसको बोला जाता है फूरियर कोसाइन इंटीग्रल अब फूरियर कोसाइन इंटीग्रल जब वर्ड ही कोसाइन आ चुका है तो एफ एक्स टोटली कोसाइन में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब बी एस जीरो हो जाएगा सिमिलरली एस भी हमारे पास यही रहेगा बी बी एस जीरो हो गया तो ये कंप्लीटली जीरो सो हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू जीरो आप खुद ही देख लो अगर बी अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो ये यह यहां पे इवन डॉट ऑड करूंगा मैं तो क्या हो जाता है ऑड फंक्शन हो जाएगा और ऑड फंक्शन में अगर इंटीग्रल माइनस एल टू एल है तो वो ऑलवेज क्या होता है जीरो या yeah. यहां पे हम देखेंगे माइनस एल टू एल इंटीग्रेशन एफ एक्स इवन डॉट इवन इट इज ऑल्सो इवन सो उस केस में माइनस एल टू एल इवन फंक्शन के लिए क्या होता है ऑफ टू एल यहाँ पे क्या है इंफिनिटी तो ये यह इसीलिए यहां ए एस में यहां पे क्या आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ वन अपॉन पाइस जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स सिमिलरली अगर आपके पास एफ एक्स जो है ऑड फंक्शन होगा तो उस केस में यहां पे एफ एक्स ऑड और कॉस एस एक्स इवन तो ऑड इन इवन आपके पास क्या आएगा ऑड फंक्शन और माइनस एल टू एल इंटीग्रेशन जब करेंगे ऑड फंक्शन का वो ऑलवेज क्या देता है जीरो इसीलिए ए एस यहां पे जीरो हो जाएगा तो बचेगा आपके पास एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो बी एस साइन एस एक्स ठीक है सो so, इसको आप जो इंटीग्रल बोला जाता है वो बोला जाता है फूरियर साइन इंटीग्रल सिमिलरली वही कंसेप्ट माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी है ये इवन फंक्शन बन जाएगा क्योंकि एफ एक्स ऑड है साइन एस एक्स भी ऑड है तो ये इवन फंक्शन बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल में क्या होता है ट्वाइस ऑफ जीरो टू एल तो यहां पे ट्वाइस मैंने मल मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट क्या लगा दी जीरो टू इंफिनिटी आई होप आप लोगों को फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या है of of x e kx, x मुझे इसका फूरियर को साइन एंड फोरियर साइन इंटीग्रल निकालना है तो चलिए निकालते हैं पहले किसका निकालते हैं फूरियर कोसाइन इंटीग्रल कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मुला मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि हर सब कुछ कोसाइन में होगा तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स ये रहा जिसमें ए डब्ल्यू की वैल्यू ये है एफ एक्स की वैल्यू आपको ई रेस्ट व माइनस के एक्स दी हुई है यहाँ पे हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं हमारे पास ये टर्म बन गया आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि जीरो टू इन्फिनी अगर सॉरी इंटीग्रल कर रहा हूं मैं ई रेस्ट व ए एक्स कॉस बी एक्स का तो वो क्या होता है वो होता है ई रेस्ट व ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए कॉस px एक्स प्लस बी साइन एक्स तो हमारे पास ई रेस्ट यहाँ पे ए जो है वो है माइनस के और बी क्या है w तो आपके पास जब आपने उस फार्मूले में इसको अप्लाई किया और ए और बी की वैल्यू दी तो आपके पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है अब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप सब्सटीट्यूट करोगे अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे तो ई रेस्ट बार माइनस इन्फिनिटी वो आपको वो देगा जीरो जीरो मल्टीप्लाई बी एनी अदर गाय इट विल आल्सो लीड अस टू जीरो तो ये जीरो फर्स्ट टर्म तो आपका जो है अपर इंटीग्रल वो तो जीरो हो गया लोअर इंटीग्रल लोअर लिमिट आप जब सब्सटीट्यूट करोगे तो ई रेस्टूथ बार जीरो आपके पास आया वन अपॉन के स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और यहां पे माइनस के कॉस्ट ऑफ जीरो ऑफ जीरो इज वन तो यहां पे आ गया माइनस के प्लस डब्लू इन टू साइन ऑफ जीरो जीरो तो ये आ गया माइनस के नाउ माइनस क्रॉस माइनस इट बिकम्स प्लस एंड यू मल्टीप्लाई दिस टू बाई फाइव विद टर्म सो यू फाइनली हैव दिस क्वांटिटी सॉरी लेट मी गो बी है दिस क्वांटिटी ओके सो दिस इज योर ए डब्लू राइट So, इस एडब्ल्यू को आप यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपके पास कोसाइन इंटीग्रल फोरियर कोसाइन इंटीग्रल आ चुका है लेकिन इसी सा इसी के साथ मुझे ये प्रूव करना है इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एफ एक्स ये है एडब्ल्यू हमने निकाल लिया है मैं जस्ट इस इक्वेशन को स्वैप कर देता हूं मीन्स इसको एल एच एस में लिख लेता हूं एफ एक्स को आरएचएस में लिख ले रहा हूं तो ए डब्ल्यू की वैल्यू ये निकली थी हमारी मैंने ये ए डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट कर देनी है और FX की वैल्यू क्या है e टू सो so इन दोनों की वैल्यू मैंने यहां कर दी नेक्स्ट इक्वेशन में सो so ये आ गया अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में तो बाकी अदर टर्म जो है विल बी ट्रीट एज अ कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे टू के बाई पाई हम आउटसाइड द इंटीग्रल ले लेंगे ले 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 और फिर होल इक्वेशन को कि पाई बाई टू के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई बाई टू के से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास RHS में क्या गया? पाई बाई टू के के माइनस एक्स जो कि हमें प्रूफ करना था तो हमने ये प्रूफ कर दिया ये जो क्वांटिटी आपकी यहां से लेकर यहां तक बन रही ये है फूरियर कोसाइन इंटीग्रल ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस के एक्स और ये हमने प्रूफ कर दिया कि कॉस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरोबू एक्स अपॉन के स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर डी डब्ल्यू क्या होता है पाई अपॉन टू के ईरियस टूर माइनस के एक्स जो हमें प्रूव करना था चलिए फूरियर साइन इंटीग्रल देख लेते हैं फूरियर साइन इंटीग्रल में एवरीथिंग विल बी इन फूरियर साइन सॉरी साइन सो एवरी एक्सप्रेशन शुड बी इन साइन सो एफ एक्स आपके पास बी डब्ल्यू साइन डब्ल्यू एक्स है बी डब्ल्यू आपके पास क्या है ट्वाइस आपको पता है टू अपॉन पाइज इंटीग्रल फ्रॉम जीरो कर देता हूं अब आपको फर्स्ट वीडियो में इन सीरीज के मैंने बताया था कि इंटीग्रल फ्रॉम जीरो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्टो बाई ए एक्स साइन बी एक्स क्या होता है ई रेस्ट बाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स तो वही मैंने यहां पे लिखा ठीक देन मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्सिट्यूट की अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करूंगा तो अगेन ई रेस्ट माइनस इनफिनिटी ये जीरो जीरो मल्टीप्लाई बाई एनी अदर क्वान्टिटी इट इज ऑल्सो जीरो अपॉन माइनस के स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के इंटू साइन ऑफ जीरो इट इज जीरो जीरो हो गया माइनस डब्लू टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ जीरो इज वन सो यहाँ आ गया माइनस डब्लू माइनस वन टू माइनस इट बिकम्स प्लस एंड टू बाई पाइव मल्टीप्लाई कर दूंगा हमारे पास ये आ गया अब बी डब्ल्यू मैंने निकाल लिया है बी डब्ल्यू हमारे पास आया है इस बी डब्ल्यू की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो हमारे पास फूरियर साइन इंटीग्रल भी निकल चुका अब मुझे प्रूव करना है ये क्वांटिटी तो आपके पास एफ एक्स जो है इन एक्सप्रेशन ऑफ फोरियर साइन इंटीग्रल सी ये होता है बी डब्ल्यू हम निकाल चुके हैं चूंकि मुझे ये प्रूव करना है तो इन दोनों को मैं थोड़ा स्वैप कर लेता हूं स्वैप करने के बाद हमने बी डब्ल्यू की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दी बी डब्ल्यू की वैल्यू के सब्सटीट्यूट करने के बाद हमने देखा कि ये इंटीग्रेशन डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में है तो टू अपन पाई यहाँ पे कांस्टेंट है कांस्टेंट को आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले लेंगे फिर पाई बाई टू से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर एच एस में हमारे पास आ गया माइनस के एक्स मल्टीप्लाई बाई पाई बाई टू जो कि हमें प्रूव करना था मैंने कोशिश की थी कि यह वीडियो विद इन टेन मिनट्स कंप्लीट हो जाए और ये विद इन टेन मिनट्स कंप्लीट हो चुका है सो so, यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट वो क्वेश्चन रेज कर सकते हो क्वेश्चन पूछ सकते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट एंड इफ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स बिकॉज कई लोगों को इन सोल्यूशंस की जरूरत होती है लेकिन मिल नहीं पाता है अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप अदर पर्सन अदर स्टूडेंट की भी हेल्प करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्योंकि हम यू नो वी आर ह्यूमन्स हमसे गलतियां होती रहती हैं तो अगर मुझसे इस वीडियो में कोई गलती हुई होगी तो मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैंशन में कर देता हूँ सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बट बिफोर दैट यू हैव वन असाइनमेंट यू नीड टू प्रीव प्रूव दिस क्वेश्चन इसमें आप देखोगे साइन डब्ल्यू एक्स लिखा हुआ है कॉज डब्ल्यू एक्स का टर्म यहाँ पर नहीं है इसका मतलब मुझे केवल फूर्य साइन इंटीग्रल ही यहाँ पर अप्लाई करना है उसके बाद आपके पास साइन एक्स बाई मल्टीप्लाई बाई पाई बाई टू ये क्या है ये टर्म आपके पास एफ एक्स है जिसमें जीरो टू पाई ही केवल इंटीग्रल लिमिट इंटरवल है बाकी pi to infinity is zero so thank you so much for watching see you in the next video